जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज है 23 जून 2021 और आज के ही दिन जो है माँ कामाख्या देवी का जो है मुख्यतः दूसरा दिन है रजस्वला का, और इस समय पे जो है माँ कामाख्या देवी की पूजा आप कर ही रहे होंगे। आज का दिन है जो है माँ तारा को समर्पित है। तारा देवी की आराधना आज के लिए विशेष होते हैं। जो तारा साधक होते हैं माँ के नील वर्णा स्वरूप रक्त वर्णा स्वरूप का ध्यान करें। माँ तारा को जो है नील वर्णा सदा पातु ध्यानु चक्र महेश्वरी के नाम से जाना जाता है, कि जिसका ध्यान जो है आपको जो है नीलांचल पर बैठी हुई माँ कामाख्या देवी के ध्यान के साथ करना चाहिए, तभी आपको इसके साथ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। इसी के साथ आप किस प्रकार से माँ भगवती भवतारिणी माँ महामाया माँ तारा देवी की साधना कर सकते हैं आज के दिन पे, आज हम आपको बताते हैं। आपको गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं आज के दिन। गुलाबी आसन पर विद्यमान हो करके आप पश्चिम या दक्षिण की ओर अपना मुख करके अपने सामने नीम की लकड़ी की चौकी के ऊपर या फिर आप पलाश की लकड़ी की चौकी के ऊपर आप जो है गुलाबी रंग का जो है कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आपको जो है चावल की 9 ढेरियां लगानी है। उन 9 ढेरियों के ऊपर एक एक सुपारी रखनी है, उनका पूजन आपको करना है देवियों के नाम का। ओम तारा, त्रिकुटा, तोतला, ठीक, वैशाली, महारूपा, विशंखरा, एकजता, महाभीमा, उग्रभीमा, ये इन देवियों के नाम हैं। इनकी पूजा आपको करनी है, इनको पुष्प समर्पित करने हैं, इनको नैवेद्य समर्पित करने हैं। जैसे ओम विशाखा देव्यै नमः, ओम विशाखा देवी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, इस प्रकार से पूजन करके इनका तर्पण देते जाना है, आचमन देते जाना है, इनका साथ साथ में इनको नैवेद्य करुण समर्पित करते चले जाना है। इस प्रकार से ये 9 की 9 जो है देवियों का पूजन करके आपको 9 ज्योतियों का जो है पूजन करना है। 9 ज्योतियों के पूजन के उपरांत माँ तारा के जो है मूल मंत्र, जो असल माँ तारा का मूल मंत्र है, उसको आपको जाप करना है, या फिर आप माँ तारा के ध्यान ओम प्रत्यालीन पदार्थविद 28 घोरान परा, तो इस स्वरूप का, इस मंत्र का भी आप ध्यान कर सकते हैं। आपको तारा स्तमन में इसका जो है ध्यान पूर्ण मिल जाएगा, तो आप इसका भी जाप जो है आप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जो है नील पलाश के जो पुष्प होते हैं या फिर नील अपराजिता के जो पुष्प हैं उसको गाय के घी में मिला करके आप आहुति देंगे तो उग्र तारा की कृपा और नील तारा की कृपा आपके ऊपर विशेष बनेगी। इस समय के दौरान आप चिड़ी कबूतरों को दाना दें, माता पिता की सेवा करें और माँ भगवती उग्र तारा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर अखंड बना रहे। हमारा आशीर्वाद आप सभी पर अखंड बनता रहे। अंबुबाची पर्व आप सभी जपते रहिए जय माँ कामाख्या, जय महाकाली। माता रानी आप सभी के भंडार को भरे, आप सभी का कल्याण करे। ये सब वीडियोस हमने पहले ही प्री रिकॉर्डेड करके रख ली थी, क्योंकि इन दिनों में हमारे पास YouTube पे लाइव आने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए समय नहीं होता। अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें, अधिक से अधिक माता रानी के नाम से जुड़े। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का भंडार भरे। हमारी तो यही आपसे जो है महामाई के चरणों में श्री प्रार्थना है। आप सभी का कल्याण हो। जय माँ कामाख्या।